डॉक्टर साहब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, दिखाओ। देख भाई तेरे हो गए फेफड़े खराब, तू दारू बहुत पी गए। हाँ जी ठीक तो हो जाऊंगा जी। हाँ ठीक क्यों नहीं होगा, हम कहीं के लिए बैठे हैं यहाँ तो, पर तेरा इलाज लंबा चलेगा भाई। करो जी इलाज। हाँ तो ठीक है, तू बैठ मैं दवाई ले आऊं तेरी। हाँ ठीक है जी। अरे बापू मुझे तो ठीक सही लग रहा। वो बिल्कुल ठीक ही है, मोड़ दे साले को, बना दे लंबा चौड़ा भी। बस बापू इस बात को तो मेरे पे छोड़ दे। बापू ऐसा तो कुछ पैदा ही ना हुआ जो मुझे मोड़ दे। यस देख भाई। हाँ जी। ये है दवाई। हाँ। ये तुझे दिन में 3 टाइम लेनी है, इससे तेरे फिल्टर काम करने लगेंगे। ठीक है जी। एक बात और, तेरे एक इंजेक्शन रोज लगेगा 8 दिन लगातार। लगा दो जी। चल हो कुंडा हाथ में लगा दो जी। अबे उसके जैसी शक्ल के डॉक्टर तू है या मैं हूँ, ये तेरे पे हाथ पे नहीं गिरेगा, ये पिछवाड़े पे लगाया जा। हो कुंडा यूके करा, राधे का एकला लौंडा था बकरा बना दिया। के बना दिया बकरा। और अब जा रहा हूं सारे गांव में बतान। भान खाई मर गया दिखे, फंस गए हम तो, पर के करूं है तो मेरा दोस्त ही, देखना तो पड़ेगा। डॉक्टर ने राधे लंडा पकड़ा बना दिया। अभी आराम तो लौट जाएगा जब कुछ देखते हैं। साड़े खून गल चढ़िया दिखे। डॉक्टर साहब चोट लगने से ऐसा क्या हो गया, सच सच बताओ मुझे हुआ क्या है? सिर में चोट ज्यादा लगने के कारण जो उसके दिमाग में चल रहा उस चीज को वो कह रहा, बाकी हमने इंजेक्शन दे दिया है वो वैसा नहीं करेगा, चोट के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राधे तू चिंता मत कर, मस्त अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम राम। प्रधान जी राम राम। राम राम बैठो। अच्छा बैठ के बैठ तो गए डॉक्टर साहब, पर नु बताओ मस्तू का की बकर बकर बना दे तुमने? ऐसी कोई बात ना प्रधान जी, वो तो बच्चे के सिर में चोट लगने के कारण चोट उसके दिमाग तक पहुंच गई, बस इस मारे ऐसा कर रहा। अरे डॉक्टर साहब क्यों मारा बना रहे हो तुम, ऐसी बीमारी कभी सुनी तो है नहीं हमने भाई किसी ने? ऐसा है जी, लाखों करोड़ों में कभी कभी एक एक आध केस में ऐसा हो जाता है, हमने इंजेक्शन दे दिया है उसके दिमाग को आराम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा।
जो मेरा छोरा फिर से बकरा दोबारा बना तो मैं तुम्हें हलाल करवा दूंगा। राधे भाई, डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, तू चिंता मत कर। कहे तो डिग्री दिखा दूं? ना किसी ने बताई डिग्री की, यो जरूर मिटवाऊंगा। ए भाई एक बात बता, तू तो खून कहां से लेकर आया था? अरे कसाई की दुकान पर चला, 20 रुपए का पैक करवाया था। चल साले, अगर से कुछ हो जाता या वो मर जाता जबकि करता। अरे बकरे का राज में खून एक जैसा ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे मैंने बापू से पूछ ली, तू और तेरा बापू किस दिन फंसवाओगे और मरवाओगे भी? बताबे न्यारी न्यारी बात। अजी आप यहाँ क्यों? हम आने की मना है यहाँ। हाँ हाँ आ सकते हो, हम तो मस्तू को देख खड़ा है। सुना था हमने उसका बकरा बना दिया? ना ना, वो तो कदे का ठीक हो लिया और जा लिया अपने घरों भी। वो तो गाँव में किसी ने वैसी अफवाह फैला दी। जी हम दवाई लेने आए हैं। आइए ना जी, अंदर आइए। तबीयत खराब है डॉक्टर राजन, दवाई दो। जी बैठिए, ये सामान ले जा। आजकल तड़ा भुना खा रहे हो क्या? अजी चप्पल खाई से ना, मेरे से उड़ा जरी थी। चुप। रात में क्या खाया था? जी रात को मूली के परांठे खाए थे। ये लीजिए, आपको बुखार तो नहीं है, शायद गैस से कोई पेन बन रहा है। ठीक है ना, आप इस दवाई को लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। काके प्रधानी ठीक ठाक चल रही दिखा, गांव के सारे रिश्ते एकदम टनाटन बनवा रखे प्रधान जी ने। हाँ यार बसंत, अब हमारा गांव पहले जैसा नहीं रहा। गांव का हर आदमी हमारा साथ देता है हर काम में, और अब गांव में राजनीति भी नहीं होती। लाली ले आई दवाई, के बताए डॉक्टर ने? बुखार ना है दीदी के, गैस बताई डॉक्टर ने। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो तुम दोनों? भाभी बच्चों को ना लाए? अरे मैं तो इधर किसी काम से आया था, सोचा तुम सबसे भी मिलता चलू। बालकों की जल्दी छुट्टी पड़ने वाली है, जब ले आऊंगा। रहने दो, तुम नहीं कहते रहो, लाते तो हो ना। अरे तुम नाराज मत हो, जल्दी छुट्टी पड़ेगी, एक बार पक्का ले आऊंगा। नेहा तुझे लड़ाई का कोई काम है क्या ना? चचाला बना के, अभी लारी बना के। जितनी छोटी है उतनी खोटी है, बहुत गुस्सा करती है। हाँ। लाडली भी तो है हमारी, हक बनता है इसका। एक बात बोलूं? बोल। देख डॉक्टर साहब की आंखों में ना मुझे तेरे चिंता से तो दिखाई दे। अच्छा, तुझे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है उनकी आंखों में। ना सच में, देख उस दिन जब तेरे पैर में मोच आई थी तो कमरे लो ठाके लाए, तो बेड पर लुटाई, फिर तेरे लिए मलहम भी ला के दिया। तो ऐसे तो कोई भी अच्छा इंसान करेगा। लगा ना तुझे भी वो अच्छा इंसान? मैंने कब कहा कि मुझे वो अच्छे लगते हैं? अभी तो बोल रही अच्छा इंसान है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा इंसान बोल रही है, इसका मतलब तो यही हुआ। डॉक्टर साहब जी, सांझ के टाइम गोलगप्पे खाने कह रही थी। डॉक्टर साहब, अपनी वाइफ से चैटिंग में लग रहे दिखो। जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तो बस इंटरनेट पे
मेडिकल के नए नए आर्टिकल देखता रहूं बस। देख वाणी, शर्म कर ले, डॉक्टर साहब इतनी पढ़ाई कर रहे और तूने नुई झोड़ा छाप कहती रहे। डॉक्टर साहब रुको तो। जी डॉक्टर साहब, वो फीस नहीं बताई आपने। जी फीस भी आ जाएगी, वो किराए में एडजस्ट हो जाएगी। ना ना, किराए में एडजस्ट मत करना, आप जानते नहीं हो हमारे पिताजी को, आपको ना कहीं हो रही एडजस्ट कर देंगे। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। हाँ भाई काके, इस टाइम क्या बात होगी? डॉक्टर साहब जल्दी चलो, पिताजी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा मैं एक मिनट में आता हूँ। जल्दी आओ। क्या क्या होगा? अरे बताओ कभी बहादुर, प्रधानी तबीयत खराब होगी, जल्दी चल खड़ा हो। अच्छा ले, प्रधान जी थोड़ा सांस लो और गहरा सांस लीजिए। अभी तो प्रधान जी को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और सुबह आप जाके मैं प्रधान जी कुछ टेस्ट लिखूँगा, वो आपको करा के लेकर आने, रिपोर्ट में अपने आप मंगवा लूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, सुबह ले जाऊँगा। और हाँ, इन्हें खाने में कुछ हल्का ही देना, जैसे खिचड़ी। ठीक है जी। ठीक है ना, तो अभी हैवी खाना मत देना। जो मेरा ससुरा किससे पूछ के इलाज करने लगा, इसका तो बाप किसान है और वो भी जिंदा, यू भी मेरी तरह फेंकना सीख गया। अच्छा प्रधान जी। अच्छा डॉक्टर साहब धन्यवाद। ठीक है जी, राम राम। ठीक है पिताजी। अबे यू बेर बेरी रह जा। जी रुकिए। प्रधान जी कैसे हैं अब? प्रधान जी ठीक है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया यार, कुछ रिपोर्ट लिख दिए, सुबह पता लग जाएगा मामला क्या है। जी वो आप लेट हो गए थे ना, तो खाना बना दिया था और टिफिन में पैक भी कर दिया है, आप चाहो तो यहाँ भी खा सकते हो। नहीं नहीं, आप पैक करके दे दो, हम ऊपर ही अपने कमरे में बैठ के खा लेंगे। जी नेहा लाइयो। यार ये साला हो के रहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगे इस साले राजल की सेटिंग होंगी दिखे, इससे तो अच्छा मैं से डॉक्टर ही ना बनाता, ये तो साला मेरा ही पत्ता काट रहा दिखे। ओए चल ना, अब क्या कर रहा? हाँ चल। मैं कहूँ तो रोटी गाल देती के बाद तबीयत तो ठीक है तेरी। जिसकी इकलौती औलाद घर से बाहर हो उसकी कैसे तबीयत ठीक रह सके, इससे तो उसका ब्याह कर देते, कम से कम रिश्ते में उलझ के घर में तो रह लेता। एक बात तो बता, करता धरता वो कुछ ना,
कौन उसे अपनी छोरी दे देता। सब कर लेता पर तुम ना आज तक उससे टेक बात ही ना करे। तू दिल्ली तो हो ना, इभी उस पे पीछे हैं, जिधर उस पे पीछे सपट जाएंगे उधर ही वो घर में वापस आ जाएगा। तो एक काम कर, मुझे रोटी गाल के दे दे। मेरी सारी कायम दर्द हो रहा, बना रख के रोटी लेके खा लो। चल भाई, हम तो रोटी गाल लेंगे और खाएंगे। दाई नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते, बैठ। और बता, ठीक ठाक है? हाँ ठीक हूँ पिताजी। और हमारे पोते पोती? वे भी ठीक है जी। और भौडिया कैसी हमारी? भाभी बढ़िया, सब ठीक है एकदम। और सुना, कैसे आना सब सब जी? मैं तो कल शाम से फोन मिला था आपको, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। एक लड़का है मेरे साथ ही नौकरी करता है। अच्छा। घर परिवार बहुत बढ़िया है, वाणी के लिए उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी मुझे। अच्छा, तो बड़ी बात है। अरे नेहा बेटा, चाय नाश्ता दे, तेरा भैया आया। अरे उन्हें सुनना। हाँ जी। तू तो वही दिखा जिसने एक बार मेरी बाइक ठीक करी थी। हाँ जी। और पहले तो तुम मिस्त्री, अब डॉक्टर कैसे हो गए भाई? हाँ जी, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, ये सब कुछ कर ले। हाँ जी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत मिस्त्री पने का काम। वो क्या है ना, घर में बचपन से मोटरसाइकिल स्कूटर थी तो उन्हें ठीक करवा के मैं भी थोड़ी बहुत ठीक करनी सीख गया जी। अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए। और क्लिनिक कैसा चल रहा है थारा? हमारे गांव में कोई दिक्कत तो ना आ रही थी? सब भगवान की दुआ है जी, क्लिनिक तो बहुत बढ़िया चल रहा। और इस गांव के आदमी इतने बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हम चले जी। ठीक है भाई, ठीक। पिताजी यू भी बढ़िया रहा कि हमारे गांव में डॉक्टर भी ना आता कोई? हाँ, सबकी देखभाल ये कर रहे पूरे गाँव में। अरे भाई तू हर वक्त नेट पे लगे रहे, भाई इंटरनेट पे यूट्यूब पे जो थर पे चीज ना आती हो ना, उसमें खोल लो और देख लो। मैं तो कहूँ बहुत बढ़िया चीज है, तू भी देखे कर, इसमें सारी बात पता लग जा। सही जवाब, मैं भी देखूँ। अरे भाई काके, ठीक है भाई? अब तो ठीक है जी, अब तो खाने भी अच्छे से खा रहा है। अच्छा, नहीं आगे भी अच्छा खा हुआ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और प्रधान जी की तबीयत कैसी है? बढ़िया है जी। उनकी रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट जो होनी थी खून की, वो करा ली आपने? अभी करवा गए। अच्छा चलो ठीक है, चेक करो। ठीक महसूस कर रहे हो जी? अभी कुछ मैं दवाई दे रहा हूँ और एक टॉनिक लिख देता हूँ जी, उसको शहर से मंगवा लेना और विकास को देना वो सुबह शाम। ठीक है जी। प्रधान जी की रिपोर्ट मैं कल सुबह खुद लेके आऊंगा घर पे। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने लिख दिया है दो टाइम, ये लो। अच्छा डॉक्टर साहब। ठीक है, खाए पिए कर। अरे भाई तू भी मेरी तरह सीख गया अब। अरे बहादुर भाई, मैं तो तेरे से बहुत कुछ सीखूं, पर तू ही नहीं समझता कि मैं चाहूं के हूं। बता मुझे क्या चाह रहा था? मैं चाहूं जो तू ये छोरी को छेड़ा है ना दुकान पर आती जाती, इन्हें बंद कर दे बंद। अरे तो कुछ दिन मार गया, दुकान बंद होकर आएगी। दुकान बंद नहीं होती, मैं सोच रहा कोई नर्स ही पट जा, उसे नर्स बना ले, ग्राहक बन जाएंगे हमारे। हाँ सही कह रहा बिल्कुल, पहले भी तो नर्स के चक्कर में यहाँ का मरा। पहली बात छोड़ यार तू। अरे भाई अब तो खूब जाने लगे, अब एक काम करिए, प्रधान जी की रिपोर्ट लेके भी तू खुद ही चला जाइए बस। ठीक कह रहा, दुकान में तो कोई ना कोई चाहिए। की पता कोई लोड या आ जा और सेटिंग बन जा, तू जा तो सही। यस यूट्यूब।
लो पिताजी। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम राम। आ जाओ डॉक्टर साहब बैठो। प्रधान जी अब तबीयत कैसी है आपकी? अब तो आ रहा मैं डॉक्टर साहब, बाकी तुम बताओ रिपोर्ट में क्या आया? प्रधान जी चिंता की कोई बात नहीं है, आपके हार्ट के आसपास थोड़ा फैट बढ़ गया है जिसे हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं, आप परेशान ना। चलो डॉक्टर साहब ये भी सही रहा आपने टाइम से टेस्ट करवा दिया। मैं कुछ दवाइयाँ लेके आया हूँ जी और मैं कुछ सिरप लिख देता हूँ, आप कॉपी पेन लेके आइए। प्रधान जी ये तो सुबह आपको खाली पेट लेनी दवाई। अच्छा जी ये खाली पेट की है? हाँ जी उसके एक घंटे बाद ये लेनी है। अच्छा जी उसके बाद सुबह शाम लेनी है दोनों ही। दोनों ही सुबह शाम लेनी है? हाँ जी। और ताजे पानी से? हाँ जी हाँ। ठीक है जी। ये सिरप है ये आप ले आना और अगले हफ्ते हम दोबारा टेस्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि प्रधान जी की हालत में कितना सुधार है। जी बेटे जो चाय बनवा के दे डॉक्टर साहब। जी नहीं नहीं प्रधान जी बस परेशान मत हो, चाय नहीं पी पाएंगे अब चलेंगे। नहीं जी परेशानी क्या बात है, ये तो आपने तो आपको तो शुक्रिया करना चाहिए। और नो बताओ चलो पैसे बताओ। कैसी बात कर रहे हो प्रधान जी, आपने इस गाँव में हमारा इतना साथ दिया ये तो आपका आशीर्वाद है, बस पैसे ही पैसे। अच्छा प्रधान जी साला डॉक्टर और दसवें रुपए का मांग लिए इतना मारना शुरू कर दिया, आज साला को छोड़ूंगा नहीं, शेरनी का दूध पी के आया हूँ, मारूंगा सारा लड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं। ए डॉक्टर अब लड़का देख मुझसे, उस दिन मारा था ना, अब लड़ मुझसे, अब देखता हूँ कितनी ताकत है तुझमें। 30 रुपए के पीछे लड़ गया मुझसे, मारा मुझे। भाई साहब भाई साहब भाई साहब हम तो डर गए भाई साहब, आप बहुत बड़ी आदमी, भाई साहब अंदर आइए आइए भाई साहब। डर गया ना? आओ 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 जल्दी आओ, यहाँ बैठो भाई साहब। हाँ भाई साहब बैठो, बहुत बढ़िया। चल चल ना कोठे में। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम डॉक्टर के बन गए, सारे सब बदमाश ही बन गए, नूरा बांधे हैं हम। आज आपका ना भाग्य तय। अंकल जी राम राम। राम राम क्या बात हुई? अंकल जी तुमने कही थी ना एडवांस किराया चाहिए, तो वही दिन आया था। अच्छा अच्छा ला, ला। लो जी अंकल जी अगले महीने का एडवांस किराया। ठीक है गिन लो। गिनो। ये तो 2200 रुपए, बात हुई 3000 की, 800 का महीने में। अंकल जी 800 रुपए हमने दवाई के काट लिए, वैसे तो 1000 बन रहे थे सब कुछ जोड़ के, लेकिन डिस्काउंट काट के हमने 800 काटे आपसे। तो हमसे दवाई को काटोगे? तो अंकल जी हमने सरकारी हॉस्पिटल थोड़े ने खोल रखा। अरे सरकारी था ना, पर हमारा तो घर का ही तो है। घर का है तो पैसे उल्टे दे। सुन ले बात, चाहे जाके दवाई शहर से लानी पड़े हमें, पर तुम सुन ले बिल्कुल भी। और सुन ले अगले महीने किराया पूरा चाहिए 3000 रुपए। ठीक है दे देंगे। लो कर ले बात, बुढ़ा हमारे हॉस्पिटल को घर का हॉस्पिटल मान रहा, यू हमें अपना दामाद मान रहा दिखे। पर यार एक बात है, अगर ऐसा हो जाए ना मजा आ जा,
बड़े वाली मेरी और छोटे वाली मिस्त्री की। यस। क्या हुआ आपको? और आज आप अकेले आई हैं? हुआ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप किराया लेने आई हैं? पर किराया तो मैंने अंकल जी को दे दिया। नहीं, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। अच्छा, बैठिए। जी बताइए, क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी भर तक तुमसे ही दवाई लूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। राजन, तो क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मुझे बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी आप जाओ यहाँ से। तो शाम को छत पर मिलते हैं। ठीक है, आना जरूर। वाह बेटे मजनू, कर ली दिखे सेटिंग। अरे नहीं यार, तू तो वैसी कह जा। अब्बा सुन ले, तेरी कमजोरी मेरे पे और मेरी तेरे पे, जिगर ही ना कर दिए। अरे ऐसी बात कुछ ना यार। बात तो कुछ ऐसी है, मैं देखूंगा बस, पर मेरी एक बार सेटिंग हो जान दे बस। अब मैं भी सेटिंग करूंगा। भगवान, सब जगह पता कर लिया, राजन का कुछ नहीं पता लग रहा। 3 महीने हो लिए, मुझे भी चिंता सी होने लगी। रो है ना तो? चाचा राम राम, चाची राम राम। राम राम है राजा। चाची रोवे मत ना, उस ऊपर वाले के यहाँ देर है देर नहीं, और राजन का पता चल गया है। कहाँ है मेरा बेटा? राजन ने मुजफ्फरनगर के रतौली गांव में अस्पताल खोल रखा है और खूब चौक के पैसे कमा रहा है। सच्ची बेटा? हाँ चाची, मेरे साले ने फोन करके बताया, मेरी ससुराल वहीं है पास में, और मेरा साला दवाई लावे वहाँ से अपनी बहू की, और खूब बढ़िया तारीफ कर रहा था वो राजन की। चलो जी, हम तो आज ही चलेंगे। अब चलो खड़े हो लो तुम। थम जा, अब नहीं जा सकते, दूर है, तड़की चलेंगे, सांझ लो पहुँच जाएंगे। हे भगवान, तू जो कर अच्छा ही कर। मेरे बालक की पता तो चले अब हुई है, मेरे मन को तसल्ली कर रहे। सब अच्छा ही करे है, रोन लग रही थी अब लो। मेरा बेटा, तन्ने तो बड़ी अच्छी आके बात बताई, मैं तो बड़ी रो रही अपने बालक के मारे। वाणी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तुम्हें तभी से ही पसंद करता हूँ। पता है राजन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और पता है, गांव में सभी लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। इस गांव के हीरो हो तुम। अच्छा जी। हाँ, तुमने कितना कुछ किया इस गांव के लिए, और कर भी रहे हो। और पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पिताजी भी तुम्हें पसंद करते हैं। अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। अच्छा। अरे पिताजी से याद आया, मैं भी 4 से 5 दिन बाद गांव जाऊंगा, तो माँ और पिताजी से तुम्हारी बात करूंगा। ठीक है। वो आवाज का डर था। और तू दिन लेकर घर खाली कर दे, नहीं तुम दोनों को जूते मार के निकाल दूंगा घर से। अंकल जी, मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल कह रहे, सुन ले कि सारी हद पार कर दी तुमने। राजन। वाणी। पिताजी छोड़। राजन। राजन। पिताजी। राजन। तेरी गर्दन काट दूंगा। चल। पिताजी छोड़। राजन। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की की बदनामी हो।
तू। अरे चल भी। गांव वालों, डॉक्टर ने भरतू का लौंडा मार दिया। चाचा, वे दोनों तारे डॉक्टर कहाँ हैं? क्यों? क्या है? जो भरतू का लौंडा था ना, विकास, जो दिल्ली में ड्यूटी कर रहा था, हाँ, इन दोनों ने उसे मार दिया। अच्छा, पंचायत ने बुलाया इन्हें, पंचायत लगी है। अच्छा, अब पता पड़ेगी ना। ओ यहाँ जो पंचायत में चलो, थारा फैसला था पंचायत करेगी, थारे नसीब में बिना सजा पाए जान लिखा ही ना है। चल, अरे पंचायत में चल। चल बेटा, पैसा ना। अरे चल, आज बस गए। चल अभी। अरे चल, यार तो मैं भी आपसे करता था, लेकिन कहने में हमेशा डरता था, कहीं आप नाराज ना। आप हमारे मकान मालिक हैं और एक लड़की भी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की की बदनामी हो। भाई बड़ा बेशरम आदमी है। अरे चला जाओ पंचायत में को। चल वाणी। क्या बात हुई? क्यों इतनी दुखी हो रही है? मुझे एक बात बता, क्या तू डॉक्टर को पसंद करती है? हाँ भैया, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और डॉक्टर ना बहुत अच्छा इंसान है, दुखी ना हो। बिल्कुल घबराने की। चलो मेरे साथ पंचायत में वहां ना, लोगों ने उसके ऊपर बहुत गलत गलत इल्जाम लगा रखे हैं। प्रधान जी, भरतू का छोरा बिल्कुल ठीक ठाक था, बेशक वो किसी बात को लेकर परेशान रह था। इन्होंने पैसे के चक्कर में उल्टी सुद्धी दवाई दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। भरतू का इकलौता छोरा था, मुझे तो इनकी पढ़ाई लिखाई पे शक है। प्रधान जी देख भाई, विकास की मौत का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई पर शक मत करियो। मेरा खुद का इलाज इनसे ही चल रहा है और मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। चलो प्रधान जी, आप तो ठीक हो गए, लेकिन उस भरतू का क्या होगा? हो गया ना वो बेवलाद, वो भी इन झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में। देखो जी, विकास को मैं भी जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। जब से वो नौकरी पे से आया, किसी से बात नहीं करता था, किसी को ये भी नहीं पता उसकी नौकरी चली गई। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान था, लेकिन मैंने उससे बहुत बार पूछा, उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। देखो भाइयों, हमारा काम था इलाज करना, वो हम कर रहे थे। यूं तो हॉस्पिटलों में भी हजारों आदमी मरे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर को सजा दी जाए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई। प्रधान जी, इनका तो चार चलने में ठीक ना है, अभी तो पहले मिस्त्री है, डॉक्टर कैसे बनेगा? क्यों डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं जोरावर जी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रधान जी, हम इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट से, यूट्यूब से और किताबों से पढ़ के
हमने आपके गांव के बहुत से लोगों का इलाज करा लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तो विकास कैसे मर गया? उसने आत्महत्या करी के? अरे काके भाई, विकास के बारे में तो सब कुछ जानता होगा, वो तो तेरा दोस्त था, तुझे कुछ तो बताया होगा उसने। हाँ बसंत भैया, एक फाइल तो है जिसे वो किसी को भी नहीं दिखाता था और सबसे छिपा के एक ताले के अंदर रखता था। तो कहाँ है वो फाइल? लेके आओ ना, कहाँ है? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मनीष की घरवाली के टक्कर मार दी भैंस ने। अरे ये तो झोला छाप है, मनीष जाके कहते हैं अपनी घरवाली को शहर ले जाएगा। दाई भी वही है और मनीष की बहू के बच्चा होने वाला है और दाई बोल रही की उसके पास टाइम कम है। अरे डॉक्टर साहब आप जाओ, देखो जाकर उनको। डॉक्टर साहब लग रहे हो क्या? डॉक्टर है ये? झोला साहब डॉक्टर है, जूत मारने चाहिए इनको जिनको इज्जत दे रहे हो। सुबह से पंचायत बाहर हो जाए, पंचायत हम चले अपने भांग रख लेंगे। सुनो रे गांव वालों, अब तक तो हम आराम से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार गया तेल लेन। डॉक्टर का काम किसी की जान बचाना होता है, जान लेना नहीं होता। जब डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठता है, अपने फर्ज पर बैठता है, तो उसके सामने अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका इलाज भी करता है, वहां अपनी दुश्मनी नहीं निकालता। जरूरत पड़ने पर अपनी जिंदगी उस डॉक्टर के हाथ में देते हो और कोई अनहोनी होने पर उसे बदनाम करते हो, उसके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक डॉक्टर अपना काम अपनी ईमानदारी से करता है। मैं भी जा रहा हूं उस औरत और उसके बच्चे की जान बचाने। तुम्हें जो सजा देनी है तुम लोग हमें दे सकते हो। चलो बहादुर, तुम दुकान से सामान लेकर आओ। चल, जो होगा देखा जाएगा। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें? गबड़ चलो, अभी तो लिहाज कर लो, अभी तो चलो इनकी गल। अरे सुनिए भाई। हाँ जी। युवराज बहादुर क्लिनिक कहाँ है? ताऊ अपनी इस ताई ने कहीं और दिखा ले, वे डॉक्टर तो झोला छाप निकले। अरे वे है कहाँ, कहाँ मिलेंगे? वे मिलेंगे मनीष के घर। अरे मैं कहूँ यो मनीष का घर कहाँ है? मनीष का घर एक दो यू जाके न्यू मुड़ के और तीसरा मकान है। आ जाओ, तुम भंगेड़ी से पूछ रहे हो कहाँ? जूता बजेगा आज तो, जूता के कांट कर दिया इन्होंने आज। बहन जी कहाँ है मरीज? डॉक्टर साहब मेरी माँ ने बचा ले। भैया आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो, मैं भी देखता हूँ। बहादुर भाई तो बीपी चेक कर जल्दी। ब्लड प्रेशर तो हाई है। हाई ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट बाद हमें बच्चे की डिलीवरी करनी होगी, तभी जान बचाई जा सकती है। क्योंकि जब तक पेट में बेबी होगा तो सांस लेने में तकलीफ और बढ़ती जाएगी। भाई साहब भाभी को 7 महीना चल रहा है, यो बालक को जन्म देने की हालत में नहीं है। बहन जी 7 महीने भी बच्चा हो जाता है, आप चिंता ना करो। बहन जी
आप एक काम करो जी, 4 से 5 बाल्टी गर्म पानी करके आओ। वो तो मैंने पहले ही करा रखा है गर्म पानी। हाँ तो लेके आओ उसको जल्दी से। वाणी इधर आओ। कुछ चादर मंगवा लीजिए, ऐसे करके उसको करा जल्दी से फास्ट। तब तक मैं एक इंजेक्शन और दे देता हूँ। किसी से पूछ लो, चले चले जाओगे। ओ भाई तुझे पता मनीष का मकान कहाँ को? तुम तो गलत आली है, मनीष का घर तो गांव के पल्ले छोपे है। मैं तुमसे जब कह रही ना, उसने भांग पी रखी है, तू भंगारी से पूछना मांड रहे रास्ता, कैसे धक्के खा रहे हैं? थक और ली मैं तो, मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा, चला भी ना जा रहा। तुझे कहा था मैंने अपने पीछे आने को, है जब तो देख जा मेरा बेटा भगली, अब चला नहीं जाता, चल मर जाओ रघु। वाणी जल्दी हुआ। अभी क्या हुआ? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक है। भाभी में तो जोर बिल्कुल भी ना है। वाणी चिंता की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ ऐसे ऐसे करते जाओ। ठीक है। बहादुर हाँ। भाई से उसमें डाल। थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। वाणी हाँ? एक काम करो, पेट को ऊपर से नीचे की तरफ दबाओ जिससे बच्चा नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है। बहादुर बच्चा रेडी? रेडी। थोड़ा और जोर से दबाओ। खाली मारे जोर लगाने तो कुछ ना होवे, भाभी को भी थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ेगा।
भाभी तेरा तो पता ना, पर इस बच्चे की जिंदगी तेरे हाथ में है, तुझे भी कोशिश करनी पड़ेगी। करो कोशिश। वाणी दोबारा दबाओ। भाभी बस आप भी कोशिश करो, थोड़ा सा भाभी कोशिश करो, करो पूरी कोशिश करो, करो भाभी, भाभी पूरी कोशिश करो, बस भाभी थोड़ा भाई लो, भाभी पूरी कोशिश करो, वाणी जोर से दबाओ। ठीक है भाभी थोड़ा और जोर से, वाणी थोड़ा तेज, भाभी थोड़ा और जोर, वाणी भाभी एक बार तेज, भाभी एक बार यस। मैं बाहर खुशखबरी देता हूं। भाभी डॉक्टर साहब सर मैं जिंदगी में ना बनूं। भैया खड़े हो, इसमें ऐसा नहीं कोई बात ना, ये तो मेरा फर्ज था। ये लो अपना बच्चा। वाह बेटे, मुझे तो ऐसा लगे तू डॉक्टरी पेट में ही सीख के आ दिखा है। बहादुर भाई पेट से तो मैं सीख के आया, पर मैंने तेरे से बहुत कुछ सीखा है। पिताजी पिताजी मां माँ, ये वाणी है। चौधरी साहब राम राम, मेरा नाम संतराम है और मैं इस गांव का प्रधान हूँ, और आपका लड़का बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया डॉक्टर, हमारी इतनी परेशानी हल कर दी, हमें इस गांव में से कई कई मील दूर रात को बुग्गी जोड़ के जाना पड़ रहा था अपना इलाज कराने के लिए, कई बारी तो इलाज मिले भी नहीं था टाइम पर। जब से आपका बेटा इस गांव में आया हमें इलाज की बहुत सुविधा होगी, भगवान बन के आया बिल्कुल हमारे लिए। प्रधान जी मेरा बेटा तो मेरी नजर में खोटा सिक्का बन के ही रह गया था, मैं तो इसके लिए बहुत करा, पर यो पैसे दूं तो कभी मोबाइल ले आवे था, मैं चाहूं था डॉक्टर बने और यो मिस्त्री की दुकान खोल के बैठ गया। अजय चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो, आपका बेटा तो इतना बढ़िया डॉक्टर है, अगर आज मैं जिंदा खड़ा हूँ ना तो इन्हीं की बदौलत खड़ा हूँ, इतनी सेवा करी इन्होंने मेरी, रात के 2-2 बजे आकर मेरा इलाज करा, मैं खुद बीमार पड़ गया था। आज आपकी बात सुन के मेरा तो बस दिल फटन को हो रहा, जो सपने मैंने अपने बेटे के लिए देखे थे इसने इस गांव में आके पूरे कर दिए। और ये हमारे जोरावर जी है, आपका बेटा इन्हीं के घर में रहता है जी, और इनकी लड़की को बहुत पसंद करता है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनकी राजन जी की शादी इनकी बेटी से करना चाहते हैं, आप बताओ आप क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा लगे इसके ही जी में ना लिखे। ओए, सब बढ़िया बात मेरे लिए क्या होगी,
जिस गांव ने इसे पसंद किया, जिस गांव को इसने नाम सम्मान बांध दिया, उस गांव की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। मेरा बेटा आज खोटा सिक्का नहीं रहा, आज इसने अपने बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है जोरावर सिंह जी। पैर अच्छा लिया, मैं तो तुझे ढूंढती डोल रही, तन्ना बहू भी ढूंढ लिया। जियो मेरा बच्चा, खुश रहो।